और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। कल शाम मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल में सलमान खान को एक धमकी भरा मैसेज आया है। बिल्कुल, और जिसमें कि सलमान खान से 5 करोड़ की मांग की गई, या फिर मंदिर में सलमान खान आए, माफी मांग ले। मुंबई पुलिस उस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बाकायदा मैसेज आया है, 5 करोड़ की फिरौती की धमकी की गई है, सलमान को कहा कि माफी मांगो। और इस बीच मामले की तफ्तीश तो हो ही रही है। आरोपी ने खुद को कहा है कि मैं तो लॉरेंस का भाई हूँ, सलमान खान माफी मांग लो। धमकी देने वाला बिश्नोई समाज के मंदिर में कह रहा है कि मंदिर में आओ और वहाँ माफी मांगो। पिछले 15 दिनों में कम से तकरीबन 4 से 5 बार सलमान खान को अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से जो है धमकी भरे मैसेजेस और कॉल आ चुके हैं। और इस बार मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल के पास एक धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ था कि सलमान खान या तो 5 करोड़ रुपए दे या तो फिर वो जाकर मंदिर में माफी मांग ले। हालांकि यही मांग जो है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी पहले की गई थी कि आप जो है मंदिर में जाइए, बिश्नोई समाज के मंदिर में जाइए और वहां पर जाके माफी मांगिए। हालांकि इस चीज को लेकर सलमान खान की तरफ से अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ राजधानी दिल्ली की जहां पर फायरिंग की गई, रंगदारी मांगी गई, और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं सलमान खान को फिर से धमकी दी गई है। तो 1000 शार्प शूटर्स जो है लॉरेंस की क्राइम कंपनी में शामिल हैं। 10 राज्यों में जो पूरा गैंग है वो फैला हुआ है। इसके अलावा 7 देशों में गैंगस्टर्स इसके हैं। हम लॉरेंस की क्राइम कंपनी की सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेशी हथियारों से इसके जो गैंग के लोग हैं वो हमेशा लैस रहते हैं, यानी कि उनके पास तमाम विदेशी हथियार है। सिर्फ देश नहीं, विदेशों में भी इसका गैंगस्टर जो है वो मौजूद है। पूरा गैंग जो है वो चलता है 10 राज्यों में जो है, यानी कि भारत की बात करें तो 10 राज्यों में इसका गैंग है, जिसमें बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक के में जो है इसके लोग शामिल है। और गैंग में अपराधियों की बात करें तो 1000 अपराधी मौजूद है, जिसमें शार्प शूटर, बदमाश और स्मगलर शामिल है। बिल्कुल, 10 राज्यों में नेटवर्क है। लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का जो 10 राज्यों में फैला है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, यूपी, बिहार समेत हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल है। विदेशों में नेटवर्क कहां कहां पर ज्यादा सक्रिय है, देखिए ये कनाडा में है, दुबई में है, मेक्सिको में ये गैंग पूरा फैला हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया शामिल है। और वर्चुअल नंबरों से ऑडियो कॉल्स पर बात होती है, हाईटेक तरीका उन्होंने इजाद किया लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क के, कहां कहां तक कॉन्टैक्ट्स हैं, कहां कहां तक ये फैला है, उसकी सारी डिटेल्स इस वक्त आपके सामने। हाईटेक तरीके की बात करें कि किस तरीके से तरीका अपनाते हैं, तो विदेशी हथियारों से इनके शूटर्स पूरी तरीके से लैस होते हैं। आपको याद भी होगा कि जब सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भूना गया था तो उस वक्त भी जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वो विदेशी हथियार थे। उस वक्त भी कोई भी हथियार जो है वो देशी हथियार नहीं था, सारे विदेशी हथियार थे। जिसके बाद ये सवाल भी उठा था कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो विदेशों से इन हथियारों की लगातार सप्लाई कर रहे हैं। Z News.